हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूं। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। बका इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट के रिलेटेड। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की रेस से बाहर हो चुकी है? क्योंकि यार कल के दिन में न्यूजीलैंड वर्सेज श्रीलंका का जो मैच था वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बआसानी जीत चुकी है। और अब पाकिस्तानी टीम के लिए जो अगला मरहला है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। यार पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड के सामने जो मैच है वो तकरीबन 287 स्कोर से जीतना है। और अगर पाकिस्तानी टीम दूसरी बैटिंग करता है तो तकरीबन 16 बॉल्स में पाकिस्तान को जो भी टारगेट होगा वो चेस करना पड़ेगा। तो ये चीज तो तकरीबन इम्पॉसिबल ही लगती है, लेकिन खैर कुदरत का निजाम चल जाए तो क्या ही बात। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यार कल के दिन के बाद पाकिस्तान की जो उम्मीदें टूटी है उसी के रिलेटेड लिटिल जनवी ने ये वीडियो शेयर की। भाई पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, क्या कहते हो? मेरी बात आप लोगों पे बुरी लगेगी, लेकिन 2027 वाले वर्ल्ड कप पे भाई ध्यान दो यार पाकिस्तान वालों, जल्दी करो वरना अभी तो 1000 रन चाहिए भाई। हाँ, वरना अभी नहीं जीत सकते। और यार इसके अलावा नदीम मुबारक ये वीडियो शेयर करते हैं। क्या पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में जा सकता है? हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि वो कैसे जा सकता है। तो जी हाँ, पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में जा सकता है कि पाकिस्तान अपने अगले मैच में इंग्लिश टीम के आगे हाथ जोड़ के 9 मई की मुजम्मत कर दे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। आसिम अजहर लिखते हैं, सपना टूटा है तो दिल बड़ा जलता है, हाथ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। और यार सेवाग ने लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद, एवा सेफ फ्लाइट बैक होम। तो इंडियन की तरफ से ट्रोलिंग्स तो काफी ज्यादा पीक पर चल रही हैं, लेकिन देखते हैं कल के मैच का क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। क्या बाबर आजम ने इरफान पठान को मुंह पर जलील कर दिया? यार काफी ज्यादा ऐसी न्यूज वगैरह निकल के सामने आ रही है कि स्टार स्पोर्ट ने जो है वो बाबर आजम को अप्रोच किया था इंटरव्यू के लिए, जिसको बाबर आजम देने से इनकार कर देते हैं। मैं बाबर आजम को अप्रोच करूंगा तो मैं भी बाबर आजम जो है वो इंटरव्यू दे दें, लेकिन बाबर आजम जो है वो उनको भी मना कर देते हैं। और वो कहते हैं कि जो बंदा जो है वो हमारे मुल्क के खिलाफ इतनी ज्यादा फजूल बातें करता है तो मैं उसको इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ ये बात तो ऑफिशियली पता नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी एंकर है जिन्होंने लाइव टीवी शो में ये बात की थी, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बात सच्ची होगी। फिर आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा बाबर आजम ने पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि टीवी पे बैठ के बाबर आजम को ज्ञान वगैरह दे रहे होते हैं उनको रिप्लाई दिया है? जैसे कि रिसेंटली बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाबर आजम जो है वो रिप्लाई देते हैं। वो कहते हैं कि टीवी पे बैठ के ज्ञान देना बड़ा आसान है, लेकिन आजकल नंबर जो है वो सबके पास ही मौजूद होते हैं। इसको सच में कोई अगर चीज सिखानी होती है तो वो नंबर पर मैसेज कर सकता है। और अभी किस किस क्रिकेटर के लिए जवाब जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। किसी ने मुझे मशवरा देना भी है तो नंबर तो सबके पास ही होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बता सकते हैं। और यार इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार GTA 6 के रिलेटेड बात कर लेते हैं। यार कई सालों के वेट के बाद GTA 6 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो आ चुकी है। और GTA 6 जो है उसका ऑफिशियल ट्रेलर जो है वो दिसंबर में रिलीज किया जाएगा। और गेमर्स की तो इसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। कहा तो ये जा रहा है कि GTA 6 जो है वो गेमिंग के सीन को बिल्कुल चेंज कर देगी। तो देखते हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आ पाती है या नहीं। अगर बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। क्या आपसे जो क्रिएटर्स ओमेगल पे वीडियोस वगैरह बनाया करते थे उनके चैनल डेड होने वाले? ये रिसेंटली ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ चुकी है कि ओमेगल जो है वो सोशल मीडिया से खत्म कर दिया जा चुका है। और यार ये अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियली ओमेगल की तरफ से ही आई है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं। और यार इसके अलावा रेहान लाइव जो है वो ये वीडियो शेयर करते हैं। अच्छा बॉयज, देयर इज अ बैड न्यूज़ फॉर यू गाइस कि ओमेगल 2009 से 2023 तक था और अब ओमेगल खत्म हो चुका है। और ये ओमेगल भाई साहब खत्म कर दिया है इसके ओनर ने, कह रहे थे हम पैसे पूसे नहीं बना रहे तो भाई ये उड़ा दिया है। तो अब अगर हमने शोर में लगाना है तो भाई हमें ओमे टीवी पे जाना पड़ेगा। तो ओमेगल इज गोन। जितने भी ओमेगल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके भाई साहब चैनल चल रहे थे ना, वो इंडियन सारे सड़क पे आएंगे। जो क्रिएटर ओमेगल पे वीडियो बनाया करते थे वो अब ओमे टीवी पर बनाया करेंगे, लेकिन देखते हैं इसका भी क्या मजीद सीन वगैरह हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। आपका फेवरेट ओमेगल क्रिएटर कौन था आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो रजा समो के लिए है। क्या रजत समो जो है वो अपने व्यूज के रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचते? क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने चैनल पे जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट किया है और वो अब थोड़ा मैच्योर टाइप का कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं जो कि थोड़ा रिसर्च बेस्ड होता है। इसके रिलेटेड बहुत से लोग उनको ऐसे बोल रहे होते हैं कि आप जो है वो हॉट टॉपिक के ऊपर वीडियोस वगैरह क्यों नहीं बनाते जिसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। तो सबका रिसेंटली रजत समो ने रिप्लाई दिया है और वो क्या कहते हैं आप लोग खुद देख लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा होगा कि यार मेरी वीडियोस तो काफी ज्यादा आ रही हैं, लेकिन उनके जो टॉपिक्स हैं वो आजकल थोड़े रिसर्च बेस्ड हैं और थोड़े से मतलब बड़ों वाले टॉपिक हैं। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ यार मेरी वीडियो जो देखे उसको कुछ वैल्यू एड हो। और मुझे भाई काफी लोग कह रहे हैं यार तुम्हारे व्यूज कम हो गए, मुझे व्यूज लेना आते। किसी सेलिब्रिटी की तलाक हो जाए मैं उस पर वीडियो बना दूंगा तो मेरे 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, मुझे पता है कैसे आते हैं। मैं किया ये, मैंने एक वीडियो बनाई थी राखी सावंत के 2 अनमोल रतन, उसका बहुत व्यूज है। तो मुझे पता है यार कौन से फजूल से टॉपिक्स पे बहुत व्यूज आते हैं, आई नो, बट मेरा एक जमीर है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो मैं वही करूंगा भाई जो मुझे पसंद है और मेरी अच्छी ऑडियंस अब बन रही है। मैं एक नीश को मैं टारगेट कर रहा हूँ जो बड़ी वैल्यूएबल सी है, तो मैं खुश हूँ।
मुझे नहीं चाहिए, वैसे तो प्रैंक्स के बहुत व्यूज आते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, तो आई एम हैप्पी और फेसबुक मिलियन भी जा रहे हैं भाई। तो आप लोगों को रजत समूह का पुराना कंटेंट अच्छा लगता है था, नया कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट भी बताएं। मगेश के अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो अदील व्लॉग से रिलेटेड है। तो रिसेंटली अदील के नाम से लोग जो है वो काफी ज्यादा स्कैम वगैरह स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि अदील के व्लॉग में भी कमेंट वगैरह करके लोग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास आपके लिए कोई सरप्राइज है, उसके बाद बंदा जो है वो उनको अप्रोच करने की कोशिश करता है और वो स्कैम कर जाते हैं। इसी के रिलेटेड अपडेट देते हुए अदील ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, गाइस ऐसे स्कैमर से होशियार रहे, दे आर ऑल माय फेक अकाउंट, ऐसे कमेंट जहां मिले उस बंदे को फौरन रिपोर्ट कर दें, दे आर फेक। और आप लोग भी ऐसे स्कैम वगैरह से अवेयर रहें। मगर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।